बहुत बड़ी बात है मुंबई में आके सचिन का रिकॉर्ड तोड़ना, और वो भी इंडियन खिलाड़ी ने तोड़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हमको गर्व है कि विराट कोहली ने तोड़ा है, सचिन के बाद विराट कोहली है। इनके बाद सर अपने आप में एक लेजेंड नाम है, जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ा है, अभी काफी इनिंग्स विराट कोहली के पास है, क्या लगता है आगे जाके कोई विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, रिकॉर्ड अब कायम ही रह जाएगा विराट? पहली बात तो सचिन के साथ उनका तुलना करना जरूरी नहीं है, क्योंकि सचिन एक महानतम खिलाड़ी है, विराट भी अपने जगह पे महानतम है, आने वाला कोई और भी प्लेयर होगा वो भी महानतम होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तीनों की तुलना करें, अपने अपने जगह पे वो महान है। फैन के लिए बहुत बड़ी बात है, आज विराट ने सचिन के न्यूट्रल का रिकॉर्ड तोड़ा है, आने वाले टाइम में टुमन गिल भी हमारे सचिन या विराट का जैसा रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आज विराट कोहली ने क्यों मारते, और आने वाले टाइम में अभी न्यूजीलैंड जूट के बैटिंग टाइम में बुमराह, शमी, मोहम्मद सिराज, बॉलिंग लाइन इंडिया का बॉलिंग लाइन अप बहुत अच्छा है। इंडिया को न्यूजीलैंड के साथ ओवर खेलना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हमारे पास अच्छी अच्छी बॉलर है। न्यूजीलैंड इंडिया अहमदाबाद जाने वाली है और वर्ल्ड कप हमारे घर पे आने वाला है। एक्चुअली वी फेल वेरी बैड दैट सचिन सर रिकॉर्ड वॉज ब्रोकन, बट वी ऑल आर वेरी हैप्पी दैट रिकॉर्ड वॉज ब्रोकन बाय अवर विराट कोहली। कोहली जब से आए हैं तब से अच्छा खेलते हैं, शुरू से उन्होंने जवाब मतलब 2007 से आए वो और अच्छा खेल रहे हैं और लगातार वो रन बना रहे हैं। बीच में उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ लेकिन वो शतक बराबर खेलते हैं और अच्छा खेल रहे हैं, उनका एवरेज भी अच्छा है, अच्छा खेल रहे हैं, वो शतक भी उनका रिकॉर्ड तोड़ ही दिया आज। सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है बहुत बड़ी बात है, गॉड ऑफ क्रिकेट है सचिन, तो उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है ये बहुत अच्छी बात है, और रिकॉर्ड तोड़ेंगे और सब प्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे विराट कोहली, और खेल रहे भी अच्छा है इंडियन टीम के लिए, और इसे भी अच्छा खेल रहे कि सेमीफाइनल में और शतक लगा दिया है और एक बार, तो अभी उतने और जन का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और अच्छा खेलेंगे आगे।